गढ़ गणेश मोती डूंगरी से कुछ ही देर में यहाँ से शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा जयपुर के कई मुख्य शहर से निकलेगी। बता दें आपको कि शोभा यात्रा की जो माँ आरती है वह यहाँ के महंत कैलाश जी और उसके साथ साथ ही जो उपराष्ट्रपति धनपत जगदीप धनखड़ वह भी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किस सभी प्रकार की तैयारियाँ हैं वह संपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर बात करें जो शोभा यात्रा के लिए रथ की व्यवस्था होती है वह संपूर्ण हो चुकी है। देखिए किस प्रकार से दो बड़ी बड़ी रथ की गाड़ियां हैं वह यहां पहुंचने वाली है। थोड़ी ही देर में माँ आरती के बाद यहां पर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है वह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहां से महा आरती करके शोभा यात्रा है वह रवानी की जाएगी। देखिए किस प्रकार से यहां पर जो SOG है वह तैनात की गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति है वह थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। पुलिस प्रशासन का जाब्ता है वह संपूर्ण रूप से यहां तैनात किया गया है। लोगों की भीड़ है वह आनी शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर जो माँ आरती को देखने के लिए पहुँचने वाले हैं। बता दें आपको कि मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर शोभा यात्रा समिति के संयोजक प्रताप भानु सिंह शेखावत ने बताया कि मंदिर श्री मोती डूंगरी गणेश जी से यहाँ 37वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र गणेश जी का रथ होगा। इसने 3 महीने से तैयारी शुरू की गई थी और 3 महीने के दौरान ये तैयारियाँ है जो संपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर देखिए अब संपूर्ण तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है और थोड़ी ही देर में यात्रा निकाली जाएगी। बता दें आपको कि यात्रा सांगानेरी गेट, जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचकर विसर्जित होगी। और उसी के साथ ही बता दें संयोजक भानु प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि शोभा यात्रा में 38 प्रमुख झांकियां शामिल होगी और इस मंदिर में श्री मोती डूंगरी गणेश जी की भी झांकी मौजूद होगी। छोटी बड़ी मिलाकर कुछ 90 झांकियां जो इसमें होगी। और बता दें कुछ झांकियां आप देखिए किस तरीके से जो झांकियों को तैयार किया गया है। करीब छोटी बड़ी मिलाकर 90 झांकियां जो निकाली गई जाएगी। और बता दें इसको लेकर जो पुलिस की बात करें पुलिस का जाब्ता है वह तैनात किया गया है। और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जहां से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस तरीके से जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते पर ले जाया जाएगा ताकि जो जाम है वह नहीं लगे और लोग हैं वह आना शुरू हो गए क्योंकि माँ आरती है वह होने वाली है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ पर पूरी संपूर्ण तैयारियाँ है वह संपूर्ण कर दी गई है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचने वाले हैं। और लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।